जय माता दी फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बुक फिफ्थ ऑफ फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर। फ्रेंड्स, इससे पहले की जो बुक 1 to 4 है वो मैंने पहले वीडियोस डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए। एंड इन दिस बुक फिफ्थ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए वर्च्यू दैट इज जस्टिस। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। एंड इन दिस बुक वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, मीन्स जैसा कि मैंने पहले भी हर वीडियो में बताया है कि कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो पहले हमने बुक्स में 1 to 4 में डिस्कस कर रखे हैं। अगर वो देखने हैं तो आपको मैं इसमें लिंक भी सेंड करूँगी बुक फिफ्थ की इस वीडियो के साथ में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो मैं उनके अलावा नए कैरेक्टर्स कौन से हैं बुक फिफ्थ में उसकी बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल है हीरो ऑफ दिस बुक फिफ्थ, और जैसा कि मैंने बताया बुक फिफ्थ में हम जस्टिस की बात करेंगे, तो ये जस्टिस को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी जो क्वेस्ट है वो एरिना को बचाने के लिए है। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे एरिना, और इसको स्पेल्ड एरिना भी कर सकते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी वर्ड मिले दैट मीन्स हम एक की ही बात कर रहे हैं, एरिना। एंड हुज किंगडम इज अंडर सीज बाय द जायंट ग्रैंड टॉर्टो। तो इसमें एक जायंट है, मतलब एक बीस्ट है ग्रैंड टॉर्टो नाम का, और इसने इसके किंगडम को ले रखा है एरिना की। और इसको, मतलब इसका वर्च्यू है आर्टिकल का कि वो एरिना को बचाए, मीन्स उसके किंगडम को बचाए और उसको मारे ग्रैंड टॉर्टो को। अब हम सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो टैलस जो है वो इसका आयरन मैन है आर्टिकल का, और एक हेंचमैन है। किस तरीके से हम कह सकते हैं ये कहाँ से आया है, तो इसको इसकी मदर एस्ट्रिया, अगर आप कहें कि ये गॉडेस ऑफ जस्टिस है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसकी मदर है, और इसकी मदर जो थी वो एक गॉडेस थी, और इन्होंने मतलब इसमें धरती पे इतनी सारी, मतलब लैंड पे इतनी सारी इविल हैं कि वो इसको छोड़ के चली गई थी हेवन में, लेकिन वो अपने बेटे आर्टिकल को आयरन मैन दे के गई थी टैलस नाम का, और उसने उसी वो वही उसकी आर्टिकल की ट्यूटर थी जिसने उसे बताया था कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, रॉन्ग को गलत कहना और राइट के लिए आवाज़ उठाना किस तरीके से सही है, और ये सब। तो इसलिए मतलब इसको बहुत अच्छे से आर्टिकल रिप्रेजेंट करेंगे इस बुक के अंदर जस्टिस को, और वो जहाँ जहाँ पे गलत हो रहा होगा वहाँ पे लोगों को बताएंगे भी। फिर जैसा कि मैंने बताया, एरिना जो है इसके अंदर जिसके क्वेस्ट मिली है आर्टिकल को, तो इसको इसकी जो किंगडम है वो ग्रैंड टॉर्टो के पास में है, ठीक है। ग्रैंड टॉर्टो जैसा कि मैंने बताया वही जायंट है जिसने एरिना की किंगडम को ले रखा है। सो इसमें हॉस्टेज मीन्स उसने उसकी किंगडम को छीन रखा है। और गुइजोर की बात करें तो ये जो है ये आर्टिकल ने इसको मारा था, और जब इसकी नरेशन स्टार्ट होती है इस बुक की उसी टाइम हमें ये पता चलता है कि ऐसे एक पर्सन को मारा है, और इसका जो फादर होगा वो मतलब बदला लेना चाहेगा आर्टिकल से कि उसने उसके बेटे को मारा है। और गुइजोर है कौन, तो ये मैं बताऊंगी कि मतलब एक इसमें कैरेक्टर है उसका साथ देता है वो, मीन्स ये एक इविल पर्सन है इसलिए इसकी उसको मारा था आर्टिकल ने। एमिडस और ब्रिसिडस ये दोनों भाई हैं। इन दोनों में क्या होता है कि इनके फादर इनको मतलब ट्रेजर देते हैं, लेकिन उसमें कुछ डिस्प्यूट हो जाता है। किस वजह से होता है और किस तरीके का डिस्प्यूट होता है वो हम जब पोएम की समरी डिस्कस करेंगे उस टाइम पे बताऊंगी, लेकिन इन दोनों में डिस्प्यूट रहता है। और इन दोनों की जो मतलब आप कह सकते हो फियांसे हैं लूसी और फिल्टेरा। अब इसमें फ्रेंड्स, लूसी जो होती है वो तो एमिडस की फियांसे होती है, और मतलब उसकी लवर होती है एमिडस की, और फिल्टेरा जो है वो ब्रिसिडस की होती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो फिल्टेरा है उसको मतलब लगता है कि ब्रिसिडस के पास में ज़्यादा धन दौलत नहीं है, और मतलब वीक है मतलब वेल्थ में एमिडस के कंपेयर में, तो फिल्टेरा जो है वो ब्रिसिडस को छोड़कर
एमिडास के पास में चली जाती है। और सेम जब एमिडास के पास में फिल्टेरा आ जाती है तो लूसी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि लूसी उसकी लवर होती है स्टार्टिंग में, बाद में वो सी में कूद जाती है और फिर ब्रेसिडास के पास में पहुंच जाती है। मतलब फाइनली इन दोनों की ये जो फियांसी होती हैं वो बाद में इनके जो मतलब लवर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो एमिडास और लूसी होते हैं कपल, लेकिन बाद में लूसी जो है वो ब्रेसिडास के पास में चली जाती है। फिर एक सेंग्लियर नाम का एक इविल ट्रेवलर होता है जिसने अपनी ही लेडी को मार दिया है, मतलब उसका सर काट दिया है। तो इस तरीके से इसका स्टार्टिंग में ही हम देखेंगे, बुक की समरी डिस्कस करते वक्त स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। ये अपने एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसे इविल पर्सन है जिसने अपनी ही लेडी का सर काट दिया। बर्बन नाम का एक नाइट है जो रेड क्रॉस नाइट की शील्ड को सरेंडर कर देता है, और इसी की लेडी है फ्लोरडेलिस। ये जो है ये बर्बन की लवर है, लेकिन बाद में इसको ग्रैंड टोटो है जो वो टेम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो ये हो भी जाती है, मतलब लुभाता है तो ये उसके साथ चली जाती है। तो इस वजह से इन दोनों को, बर्बन को और फ्लोरडेलिस को, दोनों को ये आर्टिकल रिब्यूक करता है। डोलन जो है एक ओल्ड मैन है जो रिवेंज लेना चाहता है, क्योंकि आर्टिकल ने उसके बेटे को मारा था। मतलब ये डोलन वही आदमी है, वही फादर है, जो किसका फादर है, गुइजोर का, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वहाँ पे स्टार्टिंग में आर्टिकल इसको दिखाते हैं, तो ये नरेशन के स्टार्टिंग में कि गुइजोर को मार देता है, इसलिए डोलन इससे बदला लेना चाहता है। ये तो ये दोनों बाप बेटे हैं। तो हो फ्रेंड्स, आपको कैरेक्टर्स बहुत इजीली समझ में आए, लेकिन स्टोरी में और क्लियर हो जाएंगे। फिर डोनी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था फोर्थ बुक में, ये फ्लोरमिल का ड्वार्फ है जो उसको सर्च कर रहा है। बेल्ज नाम की एक वुमन है जिसको कि किंगडम को, मतलब एक इविल पर्सन है आप कह सकते हो, बीस्ट मॉन्स्टर, तो इस टाइप का, जिसका नाम है ग्रियोनियो, इसने ले ली है। और मीन्स ग्रियोनियो को यहीं पे लिखा हुआ है मैंने। तो ये कौन है, इसने बेल्जी की जो कंट्री है वो ले रखी है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है और उनको बेटों को एक जाइंट के पास में भेजने लगा। पहले तो ये जो ग्रियोनियो था उसने बेल्जी को कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन बाद में उन्हीं के बेटों को एक जाइंट के पास में भेजने लगा और वह जाइंट उसके बेटों को खा जाता था। तो ये वही जाइंट है, द जाइंट नाम से जो मैंने कैरेक्टर बताया है, ये एक एडमिनिस्टर, प्रोमिसेस टू एडमिनिस्टर जस्टिस बाय वेइंग द सी एंड अर्थ। ये एक और जाइंट है जो आर्टिकल को मिलेगा, क्योंकि ये जो है वो ये बताने की कोशिश करता है सबको कि जो नेचर है उसने मतलब सारी चीज़ों को मतलब बराबर नहीं, इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें मतलब बीच में, इसकी स्पीच के बीच में आर्टिकल आ जाता है और वो बताता है कि नेचर जो है वो जो भी करता है वो करेक्ट होता है, मतलब उसको आपको जो नेचर ने जो चीज़ें बनाई हैं उनको आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वली प्रोपोर्शन। आइसिस जो है वो एक इजिप्शियन क्वीन है और हु एम्बोडीज इक्विटी। ओके, मेलिंगन जो है एक शेप शिफ्टिंग थीफ है और एक केव के अंदर रहता है। मर्सिला जो है एक वाइस जज है जो मर्सी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इसने डुइसा को ट्रायल किया था और उस टाइम पे इसको मतलब काफ़ी रहम भी आता है डुइसा पे। डुइसा के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है, एक विच होती है, जो पहले की बुक में आपने नहीं देखी है तो वो वीडियोस देख लीजिए। सेमेंट एक वुमन है, एक मर्सिला की कोर्ट की एक लेडी है। ओके, शोल्डन जो है ये एक पैगन लॉर्ड है हु वांट्स टू डिस्ट्रॉय मर्सिलास किंगडम। ये मर्सिला की किंगडम को ख़त्म करना चाहता था, एक ऐसा लॉर्ड है, मतलब एक पैगन लॉर्ड है, मूर्ति पूजा करता है और ये मर्सिला की किंगडम को ख़त्म करने वाला है, करना चाहता है, मतलब इविल कैरेक्टर दिखाया हुआ है।
फिर है अगला कैरेक्टर पोलेंटे, जो एक ब्रिज को गार्ड करता है और उसके पास में बहुत ही ज़्यादा धन दौलत है, क्योंकि वो टॉर्चर करता है ट्रैवलर्स को, एग्जॉर्ट करता है उनको, क्योंकि उनसे जो धन वगैरह इकट्ठा करता है, मतलब जो छीनता है वो अपनी बेटी को दे देता है, वो इकट्ठे कर रहे हैं। तो इनकी बेटी का नाम है मुनेरा, ये इसकी डॉटर है, और ये जो भी ट्रैवलर्स से जो भी इसका जो फादर है वो धन छीनता है, स्टील करता है, तो वो इसको दे देता है। रेडिगंड जो है वो क्वीन ऑफ अमेजन है, और ये सारे ही नाइट्स को जो वहाँ पे आते हैं, मतलब ये किसी से लव करती है और वो उसको मतलब बैक नहीं करता, मतलब वन साइडेड लव है, इसलिए वो सब नाइट्स से नफरत करती है, और जो भी नाइट्स वहाँ पे आते हैं उनको वो फोर्स करती है, फाइट करती है, और हारने पे वो उनको ड्रेस जो है वो लेडीज़ की पहनाती है और लेडीज़ के सारे काम करवाती है। क्लैरिंडा जो है वो रेडिगंड की हैंडमेड है, मतलब नौकरानी है, और उसने रेडिगंड और आर्टिकल दोनों को ही धोखा दिया, मतलब अपनी जो मिस्ट्रेस है उसको भी और आर्टिकल को भी, किस तरीके से वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सर्गिस जो है वो नाइट है, जो आर्टिकल को इन्फॉर्म करता है इरेना के बारे में कि मतलब अगर आपने उसको 10 डेज में नहीं बचाया तो उसको मार दिया जाएगा। टर्पाइन जो है एक मैन है, जो आर्टिकल और टेलेस जो है वो दोनों मतलब इसमें क्वेस्ट पे जा रहे हैं, तो उन्होंने उसको बचाया था लेडी ऑफ अमेजन से, लेकिन वो बाद में मार दिया है। तो इस तरीके से ये कैरेक्टर्स थे। अब हम इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कैंटो वन में क्या होता है, आर्टिकल्स क्वेस्ट इज टू सेव द मेडन आयरेना फ्रॉम द जायंट ग्रैंटोटो। तो ग्रैंटोटो से आयरेना को बचाना है, उसकी किंगडम को बचाना है, तो ये क्वेस्ट मिला है आर्टिकल को। तो इसमें फेरी क्वीन ने आर्टिकल को सेलेक्ट किया है, क्योंकि आर्टिकल को उसकी मदर ने, एस्ट्रिया ने, बहुत अच्छा राइट और रॉन्ग के बारे में डिफ्रेंशिएट करना सिखाया है, और मतलब उसको ये भी सिखाया है कि हाउ टू टेल राइट फ्रॉम रॉन्ग। तो उसको, और साथ में ही उसको एक पावरफुल स्वॉर्ड दी थी उसकी मदर ने आर्टिकल को, और एक असिस्टेंट दिया था जिसका नाम टेलेस है, जैसा कि मैंने बताया था, जो आयरन मैन है, मतलब काफ़ी पावरफुल है। अब ये दोनों जो हैं वो अपनी जर्नी पे निकलते हैं, मींस क्वेस्ट पे निकलते हैं, और इनको एक स्केयर मिलता है जो एक हेडलेस बॉडी के साथ में एक जंगल में खड़ा होता है। तो वो जब उनसे पूछा जाता है, उनसे आर्टिकल और टेलेस के द्वारा, तो वो स्केयर है वो एक्सप्लेन करता है कि एक सेंगलियर नाम का एक पर्सन मिला था मुझे, और वो मतलब लेडीज़ को, मतलब अपनी वाइफ और मेरी वाइफ को स्विच करना चाहता था, स्वैपिंग होती है ना, वाइफ स्वैपिंग की, मतलब एक्सचेंज करना चाहता था, लेकिन इसके लिए सेंगलियर की वाइफ ही रेडी नहीं हुई, तो उसने गुस्से में अपनी ही वाइफ का सर जो है वो अलग कर दिया था उसकी बॉडी से, और ये वही सर है जो हेडलेस बॉडी के साथ में वो स्केयर खड़ा था, वो सेंगलियर की वाइफ की बॉडी थी। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि वो जो मेरी लेडी थी, मतलब जो मेरी साथ में जो मेरी वाइफ थी, वो अपने साथ ले गया वो। तो इस ये चीज़ सुनकर आर्टिकल और टेलेस को लगा कि ये तो सच में बहुत गलत है, जस्टिस नहीं है ये, और वो जस्टिस के को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या काम दिया जाता है आर्टिकल के द्वारा टेलेस को, कि तुम उसे पकड़ के लाओ, सेंगलियर को पकड़ के लेके आओ। सेंगलियर जब आता है तब वो उल्टा अपनी गलती को मानने के बजाय ही टोल्ड टू कॉम्बैट टू डिसाइड हु इज़ टेलिंग द ट्रूथ। वो लड़ाई करने के लिए कहता है, युद्ध करने के लिए कहता है कि जो जीतेगा वही सच बोल रहा है। लेकिन ये बात स्केयर को पता थी कि इसने मुझे पहले हरा दिया और मेरी लेडी को ही ले गया अपने साथ में, तो अब भी यही करेगा, तो वो मना कर देता है। बाद में आर्टिकल है वो डिवाइसेस से टेस्ट, मीन्स वो कहता है कि मैं एक टेस्ट लेता हूँ, एक काम करते हैं, हम जो लेडी है, मीन जो स्क्वायर की लेडी थी जो सेंगलियर के साथ में थी, उसके दो टुकड़े करते हैं और दोनों को आधी आधी दे देते हैं। तो इसके लिए मतलब ट्रुथ क्या है वो पता चल जाएगा आर्टिकल को। तो ऑफ कोर्स हमने जो बचपन में स्टोरी सुनी है बुक्स में भी, कि जो रियल मदर होती है वो अपने बच्चे को काटने नहीं देती है, इन द सेम मैनर कि वो स्क्वायर अपनी लेडी को लव करता था, तो वो नहीं चाहता था कि उसकी लेडी के दो पीसीज किए जाएँ।
तो वो मना कर देता है, और मना करने पर आर्टिकल को पता चल जाता है कि स्क्वेयर की ही वाइफ है ये, मतलब ये लेडी है, स्क्वेयर सही कह रहा है। और उसने क्या किया, उसको पनिश किया सेंगलियर को, और जो कटा हुआ उसकी वाइफ का हेड था, जो उसकी लेडी सेंगलियर की लेडी का हेड था, वो उसके साथ में रखने दिया एज ए पनिशमेंट कि तुम इसको अपने साथ रखोगे। कैंटो टू में क्या होता है कि इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आर्टिकल और टेलस की मुलाकात होती है फ्लोरमिल की ड्वार्फ से, और वो बताता है कि फ्लोरमिल और मैरिनल की शादी हो रही है, जैसे कि हमने बुक फोर में बात की थी एट द एंड कि उनकी शादी के लिए रेडी हो जाते हैं और उनकी शादी होगी अब। तो वो कहते हैं कि जो आर्टिकल और टेलस हैं वो भी उसकी शादी को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो ड्वार्फ है वो बताता है कि तुम्हें उनकी शादी को ज्वाइन करने के लिए, उनकी वेडिंग टूर्नामेंट को ज्वाइन करने के लिए, तुम्हें एक ब्रिज को पार करना बहुत ज़रूरी है, और उस ब्रिज के ऊपर एक पॉलेंटीन नाम का एक मीन्स इविल पर्सन है, और उसको उसके वहाँ से गुजरना पड़ेगा, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लूटपाट करता है। तो आर्टिकल क्या करता है कि रेडी हो जाता है कि मैं उससे लड़ाई करूँगा, एंड ही जो आर्टिकल है वो आर्टिकल बीहेड्स हिम, और उसके बाद में उसको मारने के बाद में मतलब नीचे ब्रिज के नीचे जो पानी होता है उसके सी के अंदर मतलब उनकी फाइट होती है, और उनको वो हरा देता है पॉलेंटीन को। बाद में वो उसके कासल में जाते हैं पॉलेंटीन के कासल में, और वहाँ पे उसकी डॉटर मिलती है जिसका नाम है मुनेरा। वो जो मुनेरा है, जैसा कि मैंने बताया था, जो पॉलेंटीन जो जितनी भी मतलब लूटता था, जो लोगों को जो ब्रिज क्रॉस करते थे वो सारा लूटा हुआ जो माल होता था वो मुनेरा के पास में छोड़ा हुआ था, उसके पास था, तो उसके पास काफ़ी धन दौलत थी। और वो आर्टिकल को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है गोल्ड वगैरह फेंक के, लेकिन आर्टिकल उन सबको इग्नोर कर देता है, और टेलस जो है वो गेट तोड़ता है एंड दे एंटर इन द कासल, एंड देयर दे फाउंड मुनेरा हर्डलिंग बेनिथ पाइल ऑफ गोल्ड, वो छुपी हुई थी वहाँ पे। तो टैलेस क्या करता है कि उसको मतलब फाइटिंग वगैरह होती है उनके अंदर, और उसके बाद में टैलेस उसके जो गोल्ड के हैंड्स होते हैं और सिल्वर के फीट होते हैं उनके पीसेस कर देता है, एंड टॉस हर इन टू द रिवर, और उसको रिवर के अंदर फेंक देता है, और साथ ही साथ में उसके पास जितना भी गोल्ड होता है उसको मेल्ट करके उसको भी रिवर में ही डाल देता है उसके साथ में। अब यहाँ पे इस चीज़ इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलने के बाद में अब आगे उनकी जो जर्नी कंटिन्यू होती है आर्टिकल और टेलस की, तो वहाँ पे एक क्राउड को देखते हैं वो कि जो बीच के ऊपर लोग वाग एक स्पीच को सुन रहे हैं, एक जाइंट एक स्पीच दे रहा है। और फ्रेंड्स, जो मैंने द जाइंट नाम से कैरेक्टर बताया था, ये वही कैरेक्टर है जो सब कुछ मतलब लोगों को इनक्रेज कर रहा है कि वी हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ फ्रॉम फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स टू मॉनेटरी वेल्थ, मीन्स कि जो भी नेचर ने जो बनाया है वो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, फॉरेस्ट हो, माउंटेन हो, या कोई अदर वेल्थ हो, कोई तो इस चीज़ के लिए कोई इकोनॉमिक वेल्थ हो, तो इस चीज़ को समझा रहा है वो सबको, लोग बाग उसकी स्पीच सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल जब ये सब सुनता है तो वो अपोज करता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइट बनाई है भगवान ने, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज बनाए हैं वो अपनी एक वैल्यू है उनकी, एक वो अपने तरीके से भगवान ने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तुम उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे वो सुनता नहीं है, इस बात पे उनमें झगड़ा हो जाता है, और टैलस जो है वो जायंट को वाटर में फेंक देता है, और इस वजह से मतलब क्राउड को जायंट की बातें काफ़ी अच्छी लगती हैं, वो गलत कह रहा था लेकिन फिर भी अच्छी लगती हैं, तो वो सारा क्राउड जो था वो एंग्री हो जाता है। बाद में टैलस जो है वो उस क्राउड को वहाँ से भगाता है। तो इस तरीके से कैंटो थ्री एंड होता है, कैंटो सॉरी टू, कैंटो थ्री में क्या होता है कि अब दोन जब वो दोनों आर्टिकल और टेलस दोनों वेडिंग में पहुंचते हैं मैरिनल और फ्लोरिमिल को, वो ब्रिज पार करने के बाद में उनको ख़त्म करके, उसके बाद में वो वहाँ पे क्या पाते हैं कि मैरिनल जो है उसके चारों तरफ दुश्मन है वेडिंग के अंदर, वेडिंग टूर्नामेंट के अंदर, और आर्टिकल है जो वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर मतलब ब्रैक डोचियो जो है उसकी शील्ड वगैरह लेता है और उसके अंदर एंट्री करता है। ठीक है,
तो वहाँ पे वो उनके साथ लड़ाई करता है, उन फोर्स के साथ में, दुश्मनों के साथ में। और बाद में ब्रैकडोचियो है वो मतलब वावाई लूटता है कि मैंने आई एडिड मैरिनल, कि मतलब मैंने ही उसे बचाया है। और साथ में ये भी कहता है कि जो उसकी फॉल्स फ्लोर मिल है वही ज़्यादा ब्यूटीफुल है दोनों में, फ्लोर मिल जो रियल और फॉल्स में से। लेकिन बाद में जब वो लेके आता है फॉल्स फ्लोरमिल को और ट्रू फ्लोरमिल के पास में बिठाता, मतलब के साइड में जब लगाता है, तो वो देखते हैं कि जो फॉल्स फ्लोरमिल थी वो मेल्ट हो जाती है, एंड द ट्रू फ्लोरमिल रिट्राइव्स द गिर्डल। मतलब जो गिर्डल जो फॉल्स फ्लोरमिल ने पहन रखी थी वो वापस मिल जाती है ट्रू फ्लोरमिल को। और वहाँ पे एक और कैरेक्टर आता है सर ज्ञान, जो सर ज्ञान जो होता है, जैसा कि मैंने बताया था, बुक टू का जो हीरो होता है हु रिप्रेजेंट टेम्परेंस, तो वो आता है। ब्रैकडोचियो ने उसका हॉर्स चुरा लिया था, याद है आपको बुक टू में? अगर आपने नहीं स्टोरी को देखा है, उस समरी को नहीं देखा है बुक टू की को, तो आप फ्रेंड्स वो देख लीजिए। उसमें एक इन्फेंट को बचाते हैं, वो रूडी मैन को, जिनके पेरेंट्स मर जाते हैं। उस टाइम पे ब्रैकडोचियो ने सरगन का जो हॉर्स था वो चुरा लिया था, तो वो वापस लेने के लिए कहते हैं। यहाँ पे आर्टिकल था वो वहीं पे था, और वो सर ज्ञान से पूछते हैं कि मतलब किस तरीके से क्या चुराया है। तो वो सर ज्ञान थे, वो उन्होंने आइडेंटिटीज बताई अपने, कि कुछ स्पॉट था, ब्लैक स्पॉट था माउथ के, हॉर्स के माउथ के पास में। तो उस तरीके से आइडेंटिटीज बताने के बाद में आर्टिकल को मतलब हो गया, विश्वास हो गया कि ये सच कह रहा है। और इस तरीके से ब्रैकडोचियो से वापस से हॉर्स मिल जाता है सर ग्योन को। और अब भी क्या होता है कि आर्टिकल उसे मारना चाहता था ब्रैकडोचियो को, लेकिन सर ग्योन जो है वो वही इंटरवेन कर देते हैं, बीच में आ जाते हैं और कहते हैं अपना टाइम वेस्ट मत करो, इसकी मतलब जो बेइज्जती हुई है इसी से इसको सजा मिल गई है। और उसके जो ब्रैक लेकिन टेलस ने क्या किया, ब्रैकडोचियोज हैड रिमोस इज सील्ड एंड ब्रेक हिज स्वॉर्ड इन पनिशमेंट। ओके, एंड नाउ इन कैंटो 4 आर्टिकल और टेलस जो थे वो अपनी जो जर्नी थी वो कंटिन्यू रखे हुए हैं। अब यहाँ पे इस कंटिन्यूटी के अंदर टू ब्रदर्स मिलते हैं उसको, वो दोनों मतलब अपने और उनकी जो दोनों की वाइफ्स हैं वो ट्रेजर के लिए लड़ रही हैं। कौन कौन से ब्रदर्स हैं ये? एमिडास और ब्रेसिडास, जो मैंने कैरेक्टर्स के टाइम पे बताया था फ्रेंड्स। इनके जो फादर थे उन्होंने उनके लिए एक आईलैंड छोड़ी थी और वो बिल्कुल इक्वल थे। लेकिन टाइम के साथ में क्या हुआ, ब्रेसिडास की ओवर टाइम ब्रेसिडास आइलैंड इरोडेड एंड इट्स लैंड वॉश्ड अप ऑन टू एमिडास आइलैंड। तो इस तरीके से सॉरी फ्रेंड्स, तो वो वॉश होकर ब्रेसिडास के आइलैंड एमिडास के पास में चली जाती है, और मतलब एमिडास के आइलैंड बड़ी हो जाती है। ब्रेसिडास की जो फियांसी होती है फिल्टेरा, जैसा कि मैंने बताया था, वो उसको छोड़ देती है ब्रेसिडास को, क्योंकि वो लालची होती है और वो एमिडास के पास में चली जाती है उसकी फॉर्चून देखकर। एमिडास की जो फियांसी होती है जो लूसी होती है, वो एक पुअर होती है वुमन, लेकिन वो एक वर्चुअस लेडी होती है। वो क्या करती है, वो मतलब काफ़ी इस चीज़ से दुखी होती है और वो सी में कूद जाती है। एंड सी फाइंड द बॉक्सेस ऑफ ट्रेजर एंड वॉश्ड अपॉन ब्रेसिडास लैंड विद इट। ब्रेसिडास सेव लूसीज लाइफ एंड सी एग्रीड टू मैरिड हिम। अब यहाँ पे वो क्या करती है, ब्रेसिडास के पास में पहुँच जाती है और उसको एक जो सी के अंदर एक बॉक्स ऑफ ट्रेजर भी मिलता है, उसमें काफ़ी धन दौलत होती है। और यहाँ पे वो ब्रेसिडास के साथ में मैरी करने के लिए तैयार हो जाती है, शादी करने के लिए। अब यहाँ पे जब ये बात एमिडास को फिल्टेरा को पता चलती है, तो वो आर्ग्यू कर रहे हैं उन दोनों से उस ट्रेजर के लिए। फिर आर्टिकल जो है उसको जब ये बात पता चलती है, तो वो ये डिटरमाइन करता है कि एमिडास हैज़ ए राइट टू द एक्स्ट्रा लैंड इन द सेम मैनर ब्रेसिडास हैज़ ऑल्सो ए राइट टू द ट्रेजर द सी ब्राउट हिम। कि जिस तरीके से सी ने उनको एक ट्रेजर दिया था एमिडास को, कि उनका आइलैंड ऑटोमेटिकली बड़ा हो रहा था, उसी तरीके से ब्रेसिडास को भी जो ट्रेजर मिला है सी में से, वो उसका हक है उस पर।
इस चीज से ब्रेसिडास तो खुश था, लेकिन एमिडास को नहीं जब रही थी ये बात, मतलब वो इस चीज़ से एग्री नहीं हुआ, इस निर्णय से खुश नहीं था। आर्टिकल और टैलस जो थे इसी तरीके से आगे चलते चलते एक नाइट जो थे उनको एनकाउंटर किया जिसका नाम था टर्पाइन। ठीक है, उसको क्या किया कि उसको कुछ ग्रुप ऑफ वुमेन जो थी, बहुत सारी औरतें उसको ड्रैग कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि उस नाइट को बचाया और उनसे पूछा कि मतलब ये कौन है, तो उसने बताया कि एक पावरफुल वुमेन है रेडिगन नाम की, ये क्या करती है सारे ही मेल वॉरियर्स को हराती है जो वहाँ पे आते हैं, और जो हार जाते हैं उनको ड्रेसेस पहनाती है वुमेन की और काम भी करवाती है, मतलब औरतों वाले। साथ ही साथ जब वो दोनों उसके कासल पे पहुँचते हैं तो वो वैसा ही पाते हैं कि इसी तरीके से वो सबके साथ में करती है, तो इसी तरीके से वो आर्टिकल को भी चैलेंज करती है कि अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मुझे ऑब्वे करना पड़ेगा और जो भी मैं काम करूँगी वो मुझे सर्व करना पड़ेगा, और अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं तुम्हें ऑब्वे करूँगी और तुम्हारे सारे काम करूँगी जो तुम कहोगे, आई सर्व यू। तो इस तरीके से आर्टिकल इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है और जो थी नेक्स्ट बैटल होती है उन दोनों के बीच में। कैंटो फाइव में क्या होता है कि जब युद्ध होता है दोनों के बीच में तो फाइट होती है, तो वो क्या करती है कि जब हारने ही वाली होती है लेकिन उसका जब हेलमेट हटता है तो आर्टिकल देखता है कि वो बहुत ही सुंदर है, उसके ही अमेज्ड एट हर ब्यूटी, और उस मोमेंट का रेडिगन फ़ायदा उठा लेती है और वो क्या करती है आर्टिकल को हरा देती है, क्योंकि आर्टिकल का ध्यान अब फाइट में नहीं होता है। इस तरीके से देन टर्पाइन इज हैंग, टर्पाइन को हैंग कर दिया जाता है और टैलस जो है वो भाग जाता है वहाँ से फीमेल वॉरियर्स से बचकर। आर्टिकल क्या था, जैसा कि हार चुका था इसलिए जो काम उसको कहा गया था कि जैसा कि रेडिगन ने कहा था उसको ड्रेस भी वियर करनी थी लेडी की और काम भी सारे करने थे, तो रेडिगन की जो मेड थी क्लैरिडा वो उसको हेल्प चाहिए थी रेडिगन को सेड्यूस करने के लिए, मतलब वो आर्टिकल को सेड्यूस करना चाहती थी क्योंकि वो भी आर्टिकल को लाइक करने लग गई थी, मतलब। तो क्लैरिंडा जो होती है जो उसकी नौकरानी होती है वो एग्री हो जाती है, लेकिन वो क्या करती है उसके दिमाग में और ही प्लान होता है, वो रेडिगन के लिए नहीं वो खुद के लिए भी वो आर्टिकल को लाइक करने लग जाती है, और इसी तरीके से वो मतलब गलत गलत बातें बताती है आर्टिकल को भी और रेडिगन को भी। यहाँ पे आर्टिकल को बताती है कि वो उसे बचा लेगी, स्केप करवाएगी अपनी मिस्ट्रेस से, लेकिन यहीं पे रेडिगन को ये कहती है कि वो मतलब आर्टिकल है, वो मतलब सर्वेंट रह के मर सकता है लेकिन तुम्हारा लवर कभी भी नहीं बनेगा। इस तरीके से जब ये बात रेडिगन को पता चलती है तो अब वो आर्टिकल का खाना वगैरह सब कम कर देती है और उससे बहुत ज़्यादा काम करवाती है। इस तरीके से क्लैरिंडा जो है वो आर्टिकल को फ्री करने की प्रॉमिस तो करती है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही स्टोरी चल रही है उसके दिमाग में। एंड बट क्लैरिडा ऑफर्स टू डिफाई हर मिस्ट्रेस एंड फ्री हिम हरसेल्फ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस तरीके से वो दोनों को ही धोखा देती है, क्लैरिडा आर्टिकल को भी और अपने मिस्ट्रेस रेडिगन को भी, लेकिन उसको आर्टिकल को ये सब कुछ पता नहीं होता उस टाइम पे कि वो उसको धोखा दे रही है, और वो क्लैरिडा से काफ़ी ग्रेटफुल फील करता है। कैंटो सिक्स में क्या होता है, टैलस जो है वो अपना जो वे है फाइंड इज वे टू ब्रिटो मार्ट एंड रिपोर्ट्स आर्टिकल इज बीइंग हेल्ड कैप्टिव बाय ए टायरेनिकल वुमन दैट इज रेडिगन, कि टैलस जाके ब्रिटो मार्ट जो उसकी लवर है, मतलब इन दोनों में जैसा कि मैंने बताया था बुक में, तो बुक थ्री में जो ब्रिटो मार्ट थी तो वो काफ़ी चाहती है आर्टिकल को, और यहाँ पे जब टैलस जाकर ब्रिटो मार्ट को बताता है कि इस तरीके से एक टायरेनिकल मतलब एक बहुत अत्याचारी औरत ने उसको पकड़ रखा आर्टिकल को, तो वो काफ़ी मतलब गुस्से में आ जाती है, इनरेज्ड एंड ब्रिटो मार्ट सेट्स ऑफ इमीडिएटली फॉर रेडिगन्स कासल। फिर वहाँ पे उनको एक ओल्ड मैन मिलता है डोलन रस्ते में जब वो जा रहे होते हैं रेडिगन के कासल की तरफ में, तो वो क्या सोचता है, वही डोलन जिसके बेटे को गुइजोर को मारा था आर्टिकल ने, तो वो सोचता है कि ब्रिटो मार्ट जो है वो आर्टिकल है, क्योंकि वो
टाइलस को पहचान लेता है। टाइलस जब आर्टिकल के साथ में होता है, क्योंकि पॉलेंटीन नाम का जो पर्सन होता है, जो हमने पहले के कैंटो में मैंने बताया है, तो उसको उसके ब्रिज पे पहुंचने से पहले उसी का पर्सन होता है गुइजोर। वो उसे फाइट करता है आर्टिकल से और आर्टिकल उसको मार देता है। लेकिन यहाँ पे जो जो डॉलन है वो ऐसे सोचता है कि ब्रिटोमार्ट ही आर्टिकल है, क्योंकि टैलस जो है वो आर्टिकल के साथ में था और यहाँ पे ब्रिटोमार्ट के साथ में भी टैलस है और वो ब्रिटोमार्ट को मारने ही वाला था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि वो ब्रिटोमार्ट बस साइड से ट्रैप फॉर हर कि वो नहीं मार पाता, क्योंकि वो एक ट्रैपिंग करता है, एक जाल बिछाता है कि ब्रिटोमार्ट को रात को शेल्टर देता है कि मैं रात को कुछ प्लान करता हूँ। लेकिन ब्रिटोमार्ट इस ट्रैप से बचना चाहती थी, मतलब वो पूरी रात सोई नहीं थी क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो आर्टिकल के पास में पहुँच के उसको बचाना चाहती थी। और इस तरीके से डॉलन जो है वो फ्लीज बिफोर टैलस कैन एग्जैक्ट जस्टिस फॉर देयर बिट्रेयल। बट जो उसके दो सन थे डॉलन के, वो ब्रिटोमार्ट और टैलस को रोकने की कोशिश करते हैं जब वो दोनों अपनी जर्नी पे नेक्स्ट मॉर्निंग पे निकलने वाले होते हैं। इस वजह से उन दोनों बेटों को मार दिया जाता है ब्रिटोमार्ट और टैलस के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे डॉलन बच जाता है। कैंटो 7 में क्या होता है, ब्रिटोमार्ट और टैलस जो है वो एक टेंपल में भी रुकते हैं रास्ते में, और वहाँ पे ब्रिटोमार्ट जो है वो एक टेंपल में जाती हैं और वहाँ पे वो सिर्फ कौन अंदर जा पाती है, ब्रिटोमार्ट, टैलस नहीं जा पाता। और ब्रिटोमार्ट क्या करती है, आइसिस का जो स्टेचू है, जो गॉड है, उसकी फीट पे मतलब सर रख के सो रही होती है और उसने एक ड्रीम देखा, बहुत ही स्ट्रेंज ड्रीम, कि एक क्रोकोडाइल ने उस पर अटैक किया, फिर उसका विंस हर लव एंड कंसीव्स अ लायन विद हर, कि उसने बाद में कि एक लायन से हुआ उसको, मतलब कंसीव किया उसने एक लायन को, मतलब ये कैसा ड्रीम था। तो उसने नेक्स्ट मॉर्निंग क्या किया, एक टेंपल का अटेंडेंट था, उसने उसके ड्रीम को इंटरप्रेट किया, समझाया कि इसका मतलब ये है कि आर्टिकल जो है वो तुमसे शादी करेगा, मीन्स क्रोकोडाइल का मतलब ये था, और जो कंसीव किया था तुमने एक लायन को, दैट मीन्स कि तुम एक ग्रेट किंग को जन्म दोगी। तो इस तरीके से वो जो ब्रिटोमार्ट और टैलस थे वो दोनों अपने जो जर्नी थी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। और अब जो अमेजन किंगडम में जहाँ पे रेडिगन रहती थी वहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। ब्रिटोमार्ट इंसिस्ट ऑन फाइटिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ चेवलरी। तो यहाँ पे मतलब जो ब्रिटोमार्ट है वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, और यहाँ पे मतलब एक ऐसी लड़ाई जो बहादुरी से, ब्रेवरी से लड़ी जाती है। लेकिन यहाँ पे रेडिगेंट वापस से वही बातें करती है कि अगर तुम जीत गई तो तुम मेरी स्लेव बन जाओगी, अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारी स्लेव बन जाऊँगी, इस तरीके की बात करती है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो ऐसी बैटल नहीं चाहती थी, और इस तरीके से ब्रिटोमार्ट लेकिन फाइट करना स्टार्ट कर देती है और वो रेडिगेंट को हरा देती है आफ्टर ए हार्ड बैटल। एंड देन वो क्या करती है कि आर्टिकल को सर्च करती है, और उसको ये देख के बहुत बुरा लगता है, मतलब पहचान भी नहीं पाती कि आर्टिकल जो था वो एक वुमन की क्लोथ्स में था। और बाद में वो लेकिन काफ़ी ग्लैड फील करते हैं जब वो दोनों मिलते हैं, और बाद में ब्रिटोमार्ट जो है वो बैटल के वोंड्स को रिकवर करती है, और बाद में वापस से वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल लीव्स टू कंटिन्यू हिज क्वेस्ट, क्योंकि उसको अपनी जो क्वेस्ट है इस बुक फिफ्थ की वो कंप्लीट करनी है, मरीना की किंगडम को बचाना है। आर्टिकल और टैलस अब दोनों क्या करते हैं, एक वुमन के से मिलते हैं जो जिसका पीछा टू नाइट्स कर रहे हैं, वो जो टू नाइट्स हैं वो उनका भी पीछा एक थर्ड नाइट कर रहा है। तो अब वो लेडी मतलब भागती हुई आर्टिकल को देखती है और आर्टिकल के आकर पीछे छुप जाती है। बाद में पता चलता है, देखते हैं कि वो जो दोनों जो पर्स्यूअर थे, जो दो नाइट थे, वो देखते हैं कि वो जो थर्ड नाइट था वो उनका पीछा क्यों कर रहा था, क्योंकि वो जो थर्ड नाइट था वो ऑर्थर था। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक बुक में है ऑर्थर, द अल्टीमेट हीरो ऑफ दिस बुक, सॉरी ऑफ दिस पोएम। तो वो इसलिए भाग रहा था उन दोनों नाइट्स के पीछे क्योंकि वो रेस्क्यू करना चाहता था उस लेडी को, और जो लेडी थी उसका नाम था सेमियंट,
ये कौन थी, ये मेड ऑफ क्वीन मर्सिला थी, और मर्सिला की किंगडम में हुज किंगडम इज बॉदर्ड बाय एन इविल मैन शॉल्डन, जो शॉल्डन था वो काफ़ी परेशान कर रहा था उसकी किंगडम को, इसलिए शॉल्डन और उसकी वाइफ एडिशिया, ये दोनों ही मतलब इविल पर्सन है, इविल मैन है और इसकी वाइफ है एडिशिया। और यहाँ पे जो सेमियंट थी ये मर्सिला जो क्वीन थी इनकी मेड थी, और सेमियंट को भेजा गया था, किस लिए भेजा गया था कि वो मतलब कुछ समझौता कर के एक एज ए दूत भेजा था उसको संधि करने के लिए, एंड वे बाय हर क्वीन टू सीक टर्म्स विद एडिशिया कि तुम हमारे किंगडम को परेशान मत करो, लेकिन एडिशिया रिजेक्टेड ए ट्रूस, लेकिन ये जो एडिशिया थी उसने इस चीज़ को मतलब मना कर दिया, इस चीज़ से कि मतलब युद्ध विराम के लिए मना कर दिया, और एंड सेंड हर नाइट्स आफ्टर सेमियंट, और इस तरीके से सेमियंट के पीछे इन नाइट्स को लगा दिया था उन्होंने। इसलिए आर्थर और आर्टिकल अब शॉल्डन और एडिशिया को हराना चाहते थे क्योंकि वो दोनों ही गलत थे। आर्टिकल क्या करता है, अपने खुद को एक शॉल्डन के नाइट में मतलब डिस्गाइज कर लेता है, अब उसका वेस्ट ले लेता है और प्रिटेंड करता है कि सेमियंट है वो उसकी कैप्टिव है, उसको पकड़ के लेके आया है, लेकिन जो आर्टिकल था वो कासल के अंदर चला जाता है और आर्थर और टैलस जो थे वो दोनों बाहर होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आउट शॉल्डन से बैटल कर रहे होते हैं बाहर। तो यहाँ पे द ब्लाइंडिंग लाइट फ्रॉम आर्थर शील्ड स्टार्टल्स द हॉर्सेज ऑन द शोल्डर्स चैरियट, दे रन थ्रू द माउंटेन एंड थ्रू द शोल्डर्स ऑफ किल हिम, और इस तरीके से आर्थर ने क्या किया, शोल्डन को मार दिया। अब आर्थर ने क्या किया, शोल्डन को मारने के बाद में उसकी जो कॉप्स थी वो एक ट्री के ऊपर मतलब लगा दी उसकी लाश को, कि एक मैसेज हो जस्टिस के लिए, एक मैसेज हो कि गलत लोगों के साथ में गलती होता है। इस चीज़ को जब एडिशा देखती है, शोल्डन की मतलब लाश को जब एडिशा देखती है, उसकी वाइफ देखती है, तो वो मतलब गुस्से में सेमियंट को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन आर्टिकल होता है वहाँ पे, वो उसको बचा लेता है, और एडिशिया गुस्से के अंदर फॉरेस्ट की तरफ भाग जाती है, एंड सी इवेंचुअली लिव्स आउट हर लाइफ एज मोर फेरल एनिमल देन ह्यूमन, मतलब एनिमल की, मतलब कहते हैं टाइगर में चेंज हो गई वो, कि एक एनिमल की लाइफ जीने के लिए तैयार हो गई। इस तरीके से यहाँ पे इनका भी एंड होता है, मतलब एक जंगली मानव बन जाती है वो। और कैंटो 9 में क्या होता है कि सेमियंट अब प्लीज करती है, प्लेड्स विद आर्टिकल एंड ऑर्थर टू विजिट हर क्वीन मर्सिला कि हम तुम हमारी क्वीन के पास में चलो, क्योंकि वो उसी की मेड होती है, सेमियंट जो थी वो क्वीन मर्सिला की मेड होती है। तो ऑर्थर और आर्टिकल और टैलस और सेमियंट ये चारों जाते हैं मर्सिला के कासल की तरफ में, और वहाँ पे एक और चीज़ मिलती है उनको कि सेमियंट जो थी वो डिस्क्राइब एन इवल एंड डिसेप्टिव थीव नेम्ड मेलिंगन, मेलिंगन के बारे में बताती है उनको कि एक ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डीप केव में रहता है, ये एक इविल है और इसको डिफीट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये सारे मतलब डिसाइड करते हैं कि हम उसको मेलिंगन को डिफीट करेंगे। तो वहाँ पे टू नाइट्स ट्रेवल टू हिज केव टू गेट मेलिंगन्स अटेंशन, सेमियंट सिट्स आउटसाइड एंड वीप्स एज इफ समथिंग टेरिबल हैज़ हैपन्ड। मेलिंगन के को बाहर निकालने के लिए सेमियंट क्या करती है, उसके मतलब केव के बाहर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। मेलिंगन जो है वो पहले तो बाहर आता है सेमियंट को देख के, लेकिन बाद में टैलस को देख के वो समझ जाता है और वो भागने लगता है, लेकिन टैलस इज एबल टू कैच अप एंड किल्स हिम, इस तरीके से उसे मार देता है। और इस तरीके से वो सारे जो होते हैं, जो पूरी वो जो पार्टी होती है, वो अपनी जर्नी पे कंटिन्यू रहती है, और वो मर्सिला के कोर्ट में आ जाते हैं। आर्थर और आर्टिकल दोनों ही देखते हैं कि वहाँ पे डुइसा का ट्रायल चल रहा है, एज वी नो सी इज अ विच एंड इज सेंटेंस टू डेथ। एट फर्स्ट आर्थर जो हैं वो काफ़ी पीटी फील करते हैं उसके ऊपर, लेकिन आर्टिकल जो हैं वो कहते हैं कि मतलब गलत इंसान के साथ में तो गलत ही होना चाहिए, इसने मतलब काफ़ी वो स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं और वो कहते हैं जस्टिस तो होना चाहिए। तो मर्सिला जो खुद थी, जो क्वीन थी, वो भी हेजिटेट कर रही थी डुइसा को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन कैंटो 10 में क्या होता है कि फाइनली डुइसा को एग्जीक्यूट कर ही दिया जाता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद में उनके पास में उसी कोर्ट में
क्वीन मर्सिला के पास में एक और केस आता है जिसमें दो दो यंग मैन आते हैं और अपनी मदर बेल्ज के बारे में बात करते हैं कि वो जो थे उसकी जो मदर है बेल्ज उसको हेल्प चाहिए क्योंकि एक क्रूएल टायरेंट है ग्रेओनियो नाम का, काफ़ी बहुत गलत इंसान है। उसने पहले तो मेरी मदर जब विडो हो गई थी तब उसकी मतलब अच्छी अच्छी बातें करके उसकी हेल्प करने के इरादे से वो उससे मतलब काफ़ी हम्बल हुआ और बाद में उसने क्या किया कि उस लेडी के सन को मतलब हमारी मदर के मतलब हमारे भाइयों को क्या करने लगा कि हॉरिबल मॉन्स्टर को खिलाने लग गया। इस तरीके से मेरी मदर अब बहुत परेशान है उस मॉन्स्टर से, तो तुम हमारी हेल्प करो। तो बेल जो थी वो उसके जो दो छोटे दो बड़े बेटे थे उनको यहाँ पे हेल्प के लिए भेजा था और वो ऑर्थर से हेल्प मांगना चाहते थे। तो और आर्टिकल और ऑर्थर यहाँ पे आते हैं सामने, लेकिन ऑर्थर कहता है कि मैं उससे फाइट करूँगा ग्रेओनियो से। और मर्सिला जो थी जो क्वीन थी उसने परमिशन दे दी इस चीज़ के लिए। ऑर्थर जो था वो जाते हैं और आर्टिकल को ये कहते हैं किंग ऑर्थर कि तुम अपनी जर्नी पे कंटिन्यू करो कि मतलब तुम्हें जो क्वेस्ट मिला है तुम उस पर काम करो, ये काम मैं कर दूंगा, मतलब ग्रेओनियो को से मैं फाइट करूंगा। ऑर्थर जो थे यहाँ पे तो एक तरफ आर्टिकल थे वो अपनी जर्नी पे निकल चुके हैं और ऑर्थर यहाँ पे क्या करता है कि बेल्ज से मिलता है मतलब उसकी मदर से मिलता है उन दो यंग मैन की और वो बताते हैं कि वो बताती है उनको कि ग्रेओनियो की कासल किधर है जहाँ पे वो मतलब बैठता है उस मतलब राजा बनकर उसने उनका जो पूरा किंगडम था वो हथिया लिया था। और जब वो उस कासल में पहुंचता है तो ऑर्थर इज टोल्ड दैट ग्रेओनियो इज अवे, उसको ये बताया जाता है ऑर्थर को कि ग्रेओनियो जा चुका है और उसने अपना जो चार्ज है वो एक डिप्टी को दे रखा है यहाँ पे। तो ऑर्थर क्या करता है उस डिप्टी को मार देता है और अदर थ्री नाइट्स को भी मार देता है जो उसके ऊपर अटैक करते हैं। और ग्रेओनियो खुद एक वहीं पे कासल में छुपा हुआ होता है और वो ऑर्थर की स्किल्स को देखकर वहाँ से भाग जाता है। बेल जो थी वो थैंक्स करती है ऑर्थर को और वो क्या करता है ऑर्थर की बेल्ज को और उसके सन्स को जो कासल था वो सेफली उनमें हर सन सेफली इनटू द कासल, ही लीड्स हर एंड हर सन इन द कासल सेफली। फिर क्या होता है कैंटो 11 में ग्रेओनियो को जब बात पता चलती है कि बेल्ज को एक डिफेंडर मिल गया है तो वो मतलब बहुत गुस्सा करता है और उस वो रेडी हो जाता है कि अब मुझे बैटल करनी है कि ऐसा कौन सा डिफेंडर आ गया उसका। तो लेकिन यहाँ पे जो वो जाइंट होता है उसकी थ्री बॉडीज़ होती हैं और उसी तरीके से पेयर ऑफ थ्री आर्म्स होते हैं और इस तरीके से मतलब काफ़ी भयानक क्रिएचर होता है वो। और ऑर्थर को बैटल फील्ड में जब वो मिलता है तो काफ़ी फाइट करने के बाद में एट लास्ट ऑर्थर जीत जाते हैं। और बेल्ज जो है वो ऑर्थर को कहती है कि मतलब यही नहीं इसके साथ में एक बहुत ह्यूज आइडल मतलब बहुत बड़ा एक और भी क्रिएचर है ऐसा ही भयानक। किस तरीके का है वो यहाँ पे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है फ्रेंड्स कि उसका जो फेस है विद द वुमेन्स फेस, डॉग की बॉडी है, ड्रैगन की टेल है उसकी, ईगल की विंग्स हैं और लायन के क्लॉज हैं। तो इन द तो उससे भी वो फाइट करता है ऑर्थर और उसकी टफेस्ट फाइट ऑफ हिज लाइफ होती है, लेकिन वो उस बीस्ट को जो वो क्रिएचर होता है उसको मारने के लिए मतलब मारने में सक्सीड हो जाता है। सो यहाँ पे वो हैविंग रिस्टोर्ड ऑर्डर टू येट अनदर किंगडम एंड आर्थर राइड्स ऑफ फ्रॉम देयर एंड हियर। अगर हम दूसरी स्टोरी की बात करें कि आर्टिकल और टेलस अपनी ही जर्नी पे निकल गए थे तो यहाँ पे वो क्या करते हैं यहाँ पे आर्थर ने अपना काम पूरा कर लिया, अब आर्टिकल और टेलस के साथ में क्या हो रहा है ये एक नाइट है सर्गियस नाम के नाइट से मिलते हैं और वो एक न्यूज़ देता है उनको कि एरिना को 10 दिन में मार दिया जाएगा इफ़ नो चैम्पियन इज़ फाउंड टू डिफेंड हर। तो जब ये बात पता चलती है तो वो दोनों सोचते हैं आर्टिकल और टेलस कि हमें फटाफट ग्रैंड टॉर्टो के कासल में पहुंचना चाहिए और उसे बचाना चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है यहाँ पे वो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ उनको देखने को मिलती है कि एक नाइट है वो फाइट कर रहा है कुछ लोगों के साथ में और एक लेडी है वहाँ पे वो स्क्रीम कर रही है। तो वो दोनों जो आर्थर और टेलस जॉइन द नाइट
सॉरी आर्टिकल एंड टेलस फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। दोनों उस नाइट को ज्वाइन करते हैं बर्बन को और वो सारे एनिमीज को हराते हैं, सबको भगा देते हैं। और वहाँ पे वो जो लेडी स्क्रीम कर रही होती है वो फ्लोर डेलिस होती है, उसको मतलब छुड़ा लेते हैं ग्रैंड टोर्टोस के मैन से। और वो यहाँ पे क्या होता है कि वो कन्फेस करता है जो बर्बन है कि उसकी जो शील्ड थी रेड क्रॉस से जो बिलोंग करती थी वो उसने उनको दे दी, सरेंडर कर दी, इस तरह की बातें करता है। तो आर्टिकल को काफ़ी गुस्सा आता है, वो कहता है कि मतलब किसी भी पर्सन की जो शील्ड होती है वो तो उसका ऑनर होता है, तुम कैसे कर सकते हो ऐसा। और साथ ही साथ में मतलब जो उसकी जो वाइफ होती है, उसकी जो लेडी होती है बर्बन की, फ्लोर डेलिस नाम की, वो भी उसको कहती है कि मतलब तुमने मुझे कैसे छीन लेने दिया, मतलब ग्रैंड टोर्टो मुझे कैसे ले गया तुमसे दूर। लेकिन यहाँ पे गलती सिर्फ बर्बन की नहीं थी, यहाँ पे गलती फ्लोर डेलिस की भी थी, क्योंकि जब टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था ग्रैंड टोर्टो तो वो टेम्प्ट हो जाती है उससे। तो इस चीज़ के लिए आर्टिकल उसे भी रिब्यूक करता है कि उसके इनग्रेटिट्यूड के लिए। और इस तरीके से आर्टिकल, सर्गिस और टेलस जो हैं वो अब इनके साथ में सर्गिस भी चल रहा है और ये ग्रैंड टोर्टो के कासल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनका अल्टीमेट गोल होता है वो ग्रैंड टोर्टो का कासल ही होता है जहाँ से एरिना को छुड़ाना है। कैंटो 12 जो है लास्ट कैंटो ऑफ दिस बुक। आर्टिकल और टेलस जो है वो शीर्षोर पे पहुंच जाते हैं, एक शिप लेते हैं वहाँ पे जाने के लिए उसके कासल तक, जो सावेज जो भी मतलब जो बहुत ही भयानक जो आइलैंड होता है जहाँ पे वो ग्रैंड टोर्टो होता है, तो वो ग्रैंड टोर्टो से मिलते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल एंड ग्रैंड टोर्टो फाइट, और आर्टिकल था वो ट्रायम्फेंट मीन्स वो जीत जाता है आर्टिकल। और एरिना जो है उसको वापस से उसकी थ्रोन मिल जाती है और वो एंड इमीडिएटली बिगेन सेटिंग थिंग्स राइट इन हर किंगडम, वापस से सारी चीज़ें वो ठीक करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो एट लास्ट एरिना को उसकी किंगडम वापस मिल जाती है। अब आर्टिकल है वो समड बैक टू द कोर्ट ऑफ द फेरी क्वीन, तो वहाँ से वापस आ रहा होता है, मतलब अब काम ख़त्म हो चुका है। लेकिन ऑन हिज वे देयर इज कन्फ्रंटेड बाय एनवी एंड डिट्रैक्शन, उसको मिलते हैं टू हैग्स जो दो विच होती हैं, एनवी और डिट्रैक्शन नाम की, मींस जो एनवी जैसे हम कहते हैं जेलसी और डिट्रैक्शन, तो इस तरीके की चीज़ उसको मिलती है, क्रिटिसिज्म की टाइप की चीज़ें। तो ये जो मतलब जैसा कि मैंने बताया ये एलेगरी है यहाँ पे, तो एनवी और डिट्रैक्शन यहाँ पे मिलते हैं और वो क्या करती हैं, अनलीश द बैलेंटेड बीस्ट ऑन हिम। अनलीश किसको करती हैं, वहाँ पे छोड़ देती हैं उसके ऊपर एक बैलेंटेंट बीस्ट को। लेकिन टेलस क्या करता है, उन थ्री एनिमीज को भगा देता है और उन दोनों को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करता है, एनवी और डिट्रैक्शन को, लेकिन आर्टिकल रिफ्यूज़ कर देता है, रिफ्यूज टू बी डिस्ट्रैक्टेड। और वो दोनों क्या करते हैं, फेरी कोर्ट में वापस आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेस्ट के लिए तैयार हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेस्ट के लिए फेरी कोर्ट में वापस आ जाते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द बुक 5। इफ यू लाइक इट फ्रेंड्स, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो बुक 6। So put your views and suggestion in comment box, and please subscribe the channel.